क्या हाल चाल नेहा, क्या हाल है? हैं? न्यू न्यू भाई। हाँ न्यू न्यू प्यार, ये सुन रहे हो? ठीक। मैंने बुलाया था। किसने बुलाया था? तू खुद ही बोल रही थी मिलना है। मैंने मिल ले फिर से। कहाँ वो बता तो सही, बता बता ना। चल मैं चला फिर, रहा तू उधर ही रह फिर इधर ही। तेरे को बोंतर जैसे शक्ल को कौन लिफ्ट देगा अब? हैं? हाँ मैं रील बनाऊंगा तेरी, चला बना बना कसम से बना। वेलकम बैक एम ब्लॉग। सो कत कैसे, सब बढ़िया होंगे? सो बढ़िया ही होने चाहिए। सो गाइस आज का ब्लॉग हो रहा अपनी R15 से। सो चेक करो भाई, भाई कम से कम मैं ना 3 महीने के बाद चला रहा हूँ ये वाली बाइक। भाई ये वाली बाइक ना पहले ना ख़राब हो चुकी थी। सो ये काम पे गई थी कंपनी में, सो बहुत ब्रूटल ख़राब हुई थी। पता नहीं क्या ख़राब हुआ था, ये बोल रहे थे इंजन में प्रॉब्लम थी। सो अभी आई है ये हमारे पास 3 महीने के बाद, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो 3 महीने लग गए हैं एजेंसी में। सो अभी लेके आए हैं कल भैया, और भैया बोलते हैं जो मर्जी हो जाए इसमें अभी एग्जॉस्ट डलवाना है। सो वही डलवाने जा रहा हूँ। सो अभी तो मैं जा रहा हूँ दविंदर भैया के पास, वहाँ पर चेक करते हैं। भैया बोलते हैं मेरे पास एग्जॉस्ट है, पहले वो वाला चेक कर ले। तो मेरे पास आ, पहले बाइक भी चेक करनी है किस हिसाब से बाइक है, क्योंकि आपको पता मैं दविंदर भैया के पास ही जाता हूँ और कहीं मैं जाता नहीं हूँ। अगर बाइक का काम हो तो दविंदर भैया के पास नहीं गए तो क्या फ़ायदा भाई। सो एक एक चीज़ का पता लगता है भाई, जब हम भैया के पास जाते हैं ना एक एक चीज़ बताते हैं, आपकी बाइक में ये प्रॉब्लम है, आपकी बाइक में ये प्रॉब्लम है। ऊपर ऊपर सब काम नहीं करते भाई, जो काम रियल है। तो ये बोलते दविंदर भैया, बोलते पहले मेरे पास चेक करवा दे कि बाइक के साथ क्या सीन है क्या नहीं, सो उसके बाद डलवाना। सो वो रहे मेरे पास ही पड़ा होगा, पहले वो वाला चेक कर ले, एक हफ्ते के लिए ले ले, वो फ्री एंड कॉस्ट ही दे रहे हैं मेरे को। अब भाई भाई है और फ्री एंड कॉस्ट ही लेंगे हम। लंबा सफ़र है यार, यहाँ से दूर ही पड़ता, बट सोच लो मेरे यहाँ से ना 40 किलोमीटर पड़ता है। अभी मैं बाहर बाहर से जा रहा हूँ न्यू रोड से, अगर न्यू रोड से मैं जल्दी पहुँच जाता हूँ, अगर मुझे जाना पड़े ना सिटी वाली साइड से भाई फिर तो मुझे 1.5 घंटा लग जाता कसम से। ऐसा आवाज ना तुम्हारी राइड होने वाली है इस पे, सो चेक करो भाई। भाई ये नहीं मानती भाई, पावर ऑफ जमा R15M। लॉक ही हो गया है शायद। A132 पे लॉक हो गई थी ये। शिट 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 भाई। भाई प्रॉपर स्टेट रोड है भाई। भाई 138 जा रही है, उससे ऊपर जा रही नहीं है। पहले 132 पे लॉक हो रही थी, अब 138 पे लॉक हो रही है भाई। भाई कुछ समझ नहीं आ रहा यार इसका। भाई ब्रांड न्यू है यार इस, भाई ये ब्रांड न्यू है शायद, इसकी वजह से इसकी ना RPM ना अनलॉक नहीं हुई है। नहीं सर मेरा जिस हिसाब से मैंने चलाई हुई है ना, सो ये कम से कम भी 155 टच करती है, 157 भी जाती है भाई, बट ये जा नहीं रही यार। समझ नहीं आ रहा क्या सीन है क्या सीन नहीं है यार इसका। सो फाइनली गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं दविंदर भैया की दुकान पे। सो गाइस ये चेक करो,
जल्दी आ गया, मैं आया 135 140 135 140। A few moments later. So finally guys, अभी हम काम घूम करके जा रहे हैं दविंदर भैया से। दविंदर भैया क्या हाल चाल? ठीक है। और अभी आपने एग्जॉस्ट कैसा दिया? फ्री का, मुफ्त दिया भाई, जिसने भी मुफ्त लेना है यहाँ पे आ जाओ भैया, मुफ्त देते हैं बस। देते नहीं है, पीछे पशुवाड़ा, पीछे का पशुवाड़ा ले लो उनका, इतना ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, बाकी चलते फुल बाबा निकलते। ठीक है, हैं कब आऊँ फिर? कब मंगवाओगे? दिल्ली से मंगवाओगे? कल शाम, आज शाम की कन्फर्म कराएगा। हैं बाकी बस ठीक है। तो भाई अभी ना आपको चेक करवाते हैं इसकी आवाज़। सो भाई साहब अभी हम करवाते हैं, ये प्यारा सा रोड देख रहे हो। सो कल यहाँ पे स्टंट्स शो हुआ था, थोड़ा सा गाने का शूट हुआ था, पता नहीं क्या हुआ था। तो बाकी हमारे फ्रेंड्स आए थे वहाँ पे, स्टंट का शो हुआ था। सो मैं आया ही नहीं देखने के लिए, तो ये चेक करो पहले आवाज़ चेक करना। भाई एक्राफॉबिक का जॉक्स्ट है ये। सो ये जॉक्स्ट ना एक्राफॉबिक है भाई, आवाज ही बड़ी खतरनाक है। ओ भाई बैक फायर, द नेक्स्ट डे गाइस, ये रही हमारी ओवन 5। सो बहुत दिनों के बाद आई है हमारे पास। सो मैंने ना कल का ब्लॉग बनाया हुआ है, कल का आधा ब्लॉग बनाया हुआ है। सो वो आपने देख ही लिया होगा, जो मैंने एसयू प्रोजेक्टर का एग्जॉस्ट डाला हुआ, मैंने मंगवाया तो हुआ, ये तो मैंने टेम्परेरी डाला हुआ, भैया ने दिया हुआ मेरे को। सो अभी मैं थोड़ी सी आवाज़ सुनाता हूँ फिर से आपको कि क्या आवाज़ है इसकी। आहा भाई खतरनाक आवाज़ है, और पटाखे जो मार रहे हैं ना पहले दूसरे गियर में, और ज़बरदस्त मार रही है। बाकी बाइक की लुक ऐसे है, ये देखा कर चेक कर रहे हो ऐसे है। सो चलते हैं फुल पावर और निकालते हैं पैडल स्टैंड से बाहर। मैं घर से निकल चुका हूँ, तो कल से एग्जॉस्ट डाला हुआ था। सो मैंने सोचा कि यार कोई एक रिएक्शन वीडियो बना लेते हैं नेहा के साथ, और नेहा भी इतने दिन से कॉल कर रही थी। सो मैंने सोचा बना ही लेते हैं एक रिएक्शन वीडियो। क्या रिएक्शन मिल रहे हैं भाई, जब से डाली हुई है ना भाई। सोना पहले हम चलते हैं नेहा के पास, तो नेहा से मिलते हैं, उसके भी रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि इतने दिन से हम जब से टूर से आए हैं तब से हम मिले ही नहीं हैं। सो पहले चलते हैं नेहा के पास, उसको लेते हैं, उसको करते हैं पिक, उसके बाद उसके रिएक्शन देखते हैं कैसे रहते हैं उसके रिएक्शंस। सो उसको पता ही नहीं है मैं ये वाली बाइक लेके आ रहा हूँ, और उसको पता भी नहीं, क्योंकि मैंने ना ब्लॉग अपलोड किया हुआ है इस बाइक से, तो ना ही रील अपलोड किया, तो उसको पता ही नहीं है। टोटली सरप्राइज है वो कि ये वाली बाइक आ रही है और इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है। क्रेजी रिएक्शन मिलते हैं, जैसे लगती है जैसे सुपर बाइक आ रही हो ना, ऐसे लगती है बाइक। जा रहे हैं नेहा के पास, तो नेहा को पिक करते हैं। सो मैंने बुला लिया उसको बाहर, सो देखते हैं लेट्स सी क्या सीन बनता है। सो नेहा बाहर ही खड़ी हुई है। ओहो, क्या हाल चाल नेहा, क्या हाल है? बढ़िया है। न्यू बाइक? हाँ न्यू न्यू बाइक नहीं है, आपको नहीं पता ये वाली बाइक मेरे पास है, बड़े बड़े बाइक के पास है।
ऐसे देख रही है, ऐसे देखी नहीं है भाई इसने, इतनी बार चलाई हुई है इसने बाइक। तो काफी टाइम बाद, मेरे पास भी काफी टाइम बाद आई क्योंकि इसका इंजन का काम हो रहा था। हैं प्यार ये सुन रहे हो? हैं चलो चलो राइड दूँ आपको, आपका सरप्राइज देना था ना। चलो चलो बैठो पीछे। सो नेहा तो शौक ही होगी कसम से बाइक देख के, उसको पता ही नहीं है जिसमें एग्जॉक्स लगा हुआ है, वो बाइक को देखे जा रही है पहले तो उसको पता ही नहीं है कि एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है इसमें। सो ना थोड़ी सी प्यारी सी राइड करते हैं इसको, मेरे को पकड़ ले, पकड़ ले मेरे को। भाई क्या रिएक्शन मिल रहे हैं भाई अभी। भाई का तूफान है, हाँ? भाई का तूफान है। ये जहाज है ना, तूफान है ना भाई का ही जहाज है। अच्छी नहीं लगी क्या? अच्छी है। तो फिर डर लगता है? हाँ। क्या डर लगता है? अच्छा आप चलाओगे? सुन नेहा बोल रही है कि मैंने बाइक चलानी है ये वाली, तो इसको देख के मैंने क्या अपने आप को मरना है? मैंने मरना है क्या? आगे मेरा ताजा अभी एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा भाई अभी ना थोड़ी सी भगाते हैं और नेहा को डराते हैं। मैंने ना नेहा का फोन भी दिया हुआ, दूसरे एंगल पे वीडियो देखना कैसे आ रही होगी। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, भाई तो भाई है ये तो भाई। ओ भाई, भाई ये तो भाई है कसम से तो भाई। सो नेहा का रिएक्शन देखते हैं क्या सीन हुआ है, पीछे इसकी हालत कैसे हुई है। सो पूछते हैं इसकी हालत कैसे हुई है। मैडम जी क्या हुआ है? आया मजा? मजा आया? बाल तो खराब होंगे भाई, तभी तो हमने छोटे छोटे बाल रखे हैं। आप भी गंज करा लो। आप भी टेंट करा लो एक। हैं ऐसे कैसे लगेगी? डोरी मोन है। कैसे लगी बाइक? तूफान है। सो अभी आपको कंफर्म करी। अच्छा यहाँ मैं अभी ना आपको ना एग्जॉक्स की आवाज़ सुनाऊंगा, अभी तो आपने देख ली जैसे कि हम फूफू करके आ रहे थे। सो मैं पहले क्लिप ही देख लेता हूँ जो आपने बनाई हुई है। ओ भाई क्या आवाज़ है, देख रहे हो? ओ भाई है तेरे को उड़ा रहे ना। चलो अभी अभी आपने ऐसे सुनी, अभी मैं आपको पास से आवाज़ सुनाता हूँ कैसी लगती है, ठीक है? सुनिए पास से आवाज़। चलो आओ सुनाता हूँ आपको आवाज़। ठीक बैठ नीचे। ऐसे बोलते ना? हाँ हाँ ऐसे बोलते, बैठ नीचे। सो भाई नेहा को एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनाते हैं। रेडी? रेडी है? आगे आना, फेस आगे करना थोड़ा। ठीक है ठीक है ठीक है, आएगा। ओ भाई क्या हुआ? ओ भाई क्या हुआ? सरप्राइज सरप्राइज। भाई इसकी शक्ल देखो भाई, सरप्राइज थप्पड़ पड़ेगा मेरे से।
शक्ल देखना उसकी, करना शक्ल ऊपर, ऊपर करना शक्ल, शक्ल करना ऊपर, शक्ल देखना उसकी। थप्पड़ मेरे से कसम से पीछे हो जा मेरे। यार मैंने ऊपर से जॉक्स की आवाज़ सुनाई, अच्छी नहीं लगी आपकी आवाज़? नहीं अच्छी लगी? नहीं नहीं अच्छी लगी है? कसम से थप्पड़ पड़ा, पीछे हो जा मेरे से, अच्छी लगी। बताना आंखों में क्या लाल लाल अखां रहंदियां हैं तकां। गाइस की शक्ल देखना, सो गाइस इसकी शक्ल देखना, ये देखना, इधर देखना, इधर देखना, गाइस की शक्ल देख रहे हो हैं? क्या बोल रही है? मैंने बुलाया था, तू खुद ही बोल रही थी मिलना है, मैंने मिल ले फिर से। यार प्रैंक भी नहीं कर सकता, नहीं इधर देखना, प्रैंक भी नहीं कर सकता। क्या हुआ? कपड़े खराब कर दिए, धो नहीं सकती कपड़े, कहाँ हुआ खराब, कहाँ हुआ बता, तो सही बता, बता ना। चल मैं चला फिर, रहा तू उधर ही रह, फिर इधर ही, देखो ये बोंतर जैसे शक्ल को कौन लिफ्ट देगा अब है, रह इधर ही, मैं चला फिर। लोग भी देख रहे हैं इसको। ओ हंस रही है, लोग इसको देख रहे हैं, अब करे काला जपूत आ गया है। काला भूत ना, काला नहीं ये नीला, ये जिन लग रहा है यार कसम से। उड़ रहा, उड़ एक बार, उड़ उड़ जिन कैसा। मैं मेरी तीन विशें हैं, विश पूरी करोगे जिन? जिन जिन तीन विषय पूरी करनी है, पहला कि मेरे घर वाले अच्छे रहें, ठीक है, दूसरा कि मेरे फिर से घर वाले अच्छे रहें माँ बाप, तीसरा मेरे माँ बाप भी अच्छे रहें, बस मेरे तीन विषय पूरे कर दो। तथास्तु। वो मुँह देखना उसका। गुस्सा आ गया या मजाक कर रहा? कैमरा बंद दिया, ये लेकर कर दिया, मजाक था यार, मजाक था। आए आगे दे शूज अमीर बंदे, आगे जैरी कठे, जैरी भी लिखा हुआ ऊपर है। चला तेरे को दुकान पे लेके चलो, दुकान वाले हैं, तेरे पास हैंकी नहीं है? मेरे पास है, मेरे पास भी नहीं है, दे मैं साफ कर दूँ। पहले कलर डाल, अब साफ कर दे। तो कलर डाल के साफ करने का मजा कुछ और है। लग कसम से जो फाउंडेशन लगाते हो तुम उससे तो अच्छी लग रही है। चल 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 राइड करनी है, चल तू चला इस बार, अब तू चला, चला 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 कसम से चला। रख नीचे मुंह में, तेरे को बताऊं मैं रखता हूँ ना, ऑन करके दे ना, ऐसे ऑन करना, ऐसे 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 दबा नीचे को, मैं भी देखूँ यार, नीचे को कर, दबा जोर से, नीचे को ही दबा। हाई नहीं मेरा कैमरा भी खराब कर दिया है, ऐसे ही जाना वो है। चल चला चला, हाँ मैं रील बनाऊंगा तेरी, चला बना बना कसम से बना। सो नेहा चला रही है अभी बाइक, सो ये ना एंगल वाला, ये वाला चेक करना, ओहो हो, और इसकी शक्ल चेक करना, ये चेक कर रहे हो शक्ल, ये देखो ओ भाई। सो नेहा भी चला रही है बाइक, सो इसको तो खुश करना ही था ना, अगर इसको बाइक नहीं देता ये खुशी नहीं होती पता है। सो अभी ये चलाएगी, इसको चलाने दो भाई आराम से, ये चेक करो भाई है, माफ़ कर देगी चल चलते घर पे, ठीक है, घर पे जाके अच्छे से ना डुबकी मारना, एक मछली पानी में गई चपाक, अब वही करना घर पे जाके, ठीक है, सो गुड बाय। मम्मी ने मेरे को भी पानी में फेंकना चपाक।
सो चलते हैं गाइस घर वाली साइड। सो यही पे ब्लॉग एंड करते हैं, ये ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी मुझे पता है, भी एंग्री हो जाएगी।